अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लेग पीस, तंदूरी के चिकन के लेग पीस ली हूँ और उसे मैं फोक के मदद से प्रिक कर लूँगी। तो आपको हल्के हल्के जिधर जहाँ पर मोटा ये है पीस है वहाँ पर आपको प्रिक करना है। फिर उसमें हम 2 नींबू ऐड करेंगे। लेमन जूस 2 ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैंने जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, बस इतना ही लगा के आपको मैरिनेट करके 1 से 1.5 घंटे तक रखना है। नींबू, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, बस इसे आपको अभी 1 घंटे तक रखना है। ये मेरे पास एक कंटेनर है विद लीड है, तो इसे मैं इसी में रखूंगी। अब हम इसका सेकंड मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने दही 1 कप ली, थिक योगर्ट, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर अभी ऐड करूँगी मैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पर मैंने फूड कलर ऐड की बीच में। अब 1 घंटे के बाद में मैंने ये मैरिनेशन चिकन में डाल दी। तंदूरी चिकन बनाने में 2 मैरिनेशन है। फर्स्ट जो लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट, फिर सेकंड ये जो अभी हमने रेडी किया है वो, इसे भी हम मैरिनेट करके ओवरनाइट रख लेंगे। यहाँ पे आप नमक मिर्च वगैरह चेक कर लो। ये सेकंड डे है। अब हम हैवी बॉटम कोई भी फ्लैट सरफेस का ऐसा पैन या भगोना जो भी है अपने पास हैवी बॉटम का लेंगे। अगर हैवी बॉटम नहीं है तो उसके नीचे आप तवा रख ले और उसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और चिकन ऑयल गर्म होने के बाद में चिकन ऐसे उसमें रख लेंगे। हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक रखना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद में फ्लेम आप लो करके इसे ढक के रख दें। इसे हम ढक के रख देंगे। अभी देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हम इसे पलटाएंगे। ऐसे करने से ये मैरिनेशन भी अच्छा रहेगा चिकन पे लगे हुआ और अंदर तक पक जाएगा। और जो हमने स्टार्टिंग में फोक की मदद से जो पिक किए थे ना चिकन को, तो वो इसी वजह से कि अंदर तक गल जाए चिकन। लेकिन आपका जो बर्तन है वो हैवी बॉटम चाहिए, या तो उसके नीचे आप तवा रख ले
कोई इशू नहीं है। देखिए चिकन ने अपना अच्छा खासा पानी रिलीज कर लिया है। अभी हम इसे फास्ट करके इसका पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कोयला गरम करने रख ली हूँ। हम स्मोकी चिकन बना रहे हैं ना, तो कोयले का स्मोक तो देना ही है। यहाँ पर एक कोयला रख ली हूँ मैंने। अब वो जब तक गरम होता है हमारा चिकन देख लेंगे। ये बताना भूल गई मैं, यहाँ पर मेरे पास में एक वायर रैक है, ये मेरे ओवन के साथ में आया था। अभी इसी के ऊपर हम चिकन रखेंगे। कोयला किधर गया? फ्लेम अप लो हाई ऐसे करके अच्छी तरह से उसे चारों तरफ से फ्लेम लगने दें। देखिए हो गया ना रेडी। शॉर्ट एंड सिंपल रेसिपीज़ है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यहाँ पर मैंने इसे गार्लिक मेयो के साथ में सर्व की थी।